हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पोहे का चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना क्रिस्पी बना हुआ है। इसे आप नाश्ते के लिए बना सकते हैं या फिर अपने मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी पोहा लिया है, तो पहले हम इसे पानी से अच्छे से धुल लेंगे। और 5 मिनट के लिए इसे ऐसे रख देते हैं ताकि ये फूल जाएगा। और यहाँ हमने 4 उबले हुए आलू लिए हैं और लहसुन अदरक हरी मिर्च लिए हैं। तो पहले हम आलू को मैश कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसे मैश कर लिया है और पोहा भी अच्छे से फूल गया है। तो इसे भी हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब पोहे और आलू को एक साथ मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पोहे और आलू को इस तरीके से हम मैश कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने इसे इस तरीके से मैश कर लिया है और यहाँ हमने गैस पर पैन रख दिया है। तो 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं। अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और हमने जो लहसुन अदरक हरी मिर्च लिया था तो उसका भी हमने पेस्ट बना लिया है, तो उसे भी डाल देते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। और हमने जो आलू और पोहे को मैश किया था उसे डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इसे और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। इससे इसका स्वाद और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ हमने सारे बॉल्स बना लिए हैं और अब हम गैस पर पैन रखते हैं और इसमें तेल डालते हैं और तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसे छानेंगे। तो देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इस तरीके से बॉल्स को इसमें फ्राई करेंगे और बीच बीच में इसे पलटते भी रहेंगे। फ्रेंड्स, देखिए ये बॉल्स देखने में कितने टेस्टी और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। और जितना ज़्यादा ये टेस्टी देखने में लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा ये खाने में भी टेस्टी है। और फ्रेंड्स देखिए, इसे बनाना भी कितना आसान है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के बॉल्स को भी ऐसे ही तेल में फ्राई कर लेंगे। तो चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये कितना कुरकुरा बना हुआ है। और एक बॉल्स को हम तोड़ के भी दिखा देते हैं। फ्रेंड्स देखिए, देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी बना हुआ है।
पोहे का ये चटपटा और क्रिस्पी नाश्ता आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।